यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज की है, रेसिप्रोकल लैटिस की जो प्रॉपर्टीज है वो जनरली हमारे पास तीन या चार, इसकी जो पांच प्रॉपर्टीज है उनको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रत्येक व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर क्रिस्टल की सीधी या अलग तलों के प्रत्येक समूह पर लंबवत होती है। दैट मीन्स यहाँ पर ये होगा कि ये जो आपको तीन प्लेन्स दी गई है, यहाँ पर आपको तीन प्लेन्स दी गई है। प्लेन में हमने इसको एक्स एक्सिस माना है और इसको जेड माना है और इसको वाई एक्सिस हमने एज्यूम किया है। उस कंडीशन में सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर जो ये दिया गया है सेम वैसा ही है जैसा हमने पहले पढ़ा था कि एक क्रिस्टल हमको दिया गया है, यहाँ पर एक क्रिस्टल दिया गया है। क्रिस्टल की अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो प्लेन है वो किस तरह से समझाया गया है, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एक क्रिस्टल है इस टाइप से, इसने एक क्यूबिक क्रिस्टल्स दे रखा है, इस क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर ये जो प्लेन इसने बनाया है वह इस प्रकार से बनाया कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है वह इस तरह से बनाया गया है। ये हमारे पास प्लेन है, क्या दे रखा है इसमें, हमारे पास ये प्लेन दिया गया है। इस प्लेन को हम लोग अगर समझें तो ये सेम ऐसा कैसा दिया गया है। सपोज करें कि ये वाली जो एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसी प्रकार से ये वाली जो एक्सिस है हमारी जेड है, ये एक्सिस जेड के बराबर है और ये जो ऊपर एक्सिस दी गई है वाई के बराबर है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्लेन है ये सेम इसके जैसा लग रहा है हमारे हमें। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है इसके जो एक्स और वाई जो एक्सिस पर ये जो कटिंग की जो डिस्टेंस है, हमने इसको जो डिफाइन किया है यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, वह यहाँ इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये जो एक्सिस है इसकी वैल्यू एन वन है, ये इसकी वैल्यू एन वन है। इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है वह क्या है आपके पास एन टू बी है और इसकी जो वैल्यू है वह एन थ्री है। उसका मान क्या है, मैंने मान लिया एन थ्री सी वेक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर है। एन थ्री सी एन वन एन टू एन थ्री इज नथिंग बट क्या इंटीजर नंबर्स है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में एक क्रिस्टल के अंदर उसके जो डायमेंशन है उसकी वैल्यू हमने डिफाइन करी। अब हम इसको अगर हम डिफाइन करें कि ये जो आपने वेक्टर डिफाइन किया है एक्स वाई और जेड की जो टर्मिनोलॉजी में, इसको अगर हम वेक्टर की डेफिनेशन से अगर देखें तो सपोज करें कि ये जो मैंने लाइन जो ड्रॉ की थी इसको एक वेक्टर की टर्मिनोलॉजी में मैं डिफाइन करता हूँ। इसको मैं एक एक्सिस मानी है मैंने और एक वेक्टर माना है, इसको भी एक अनादर वेक्टर माना है और इसको भी मैंने इस तरह से वेक्टर डिफाइन किया है। अगर वेक्टर की टर्मिनोलॉजी में अगर डिफाइन करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन वन ए वैक्टर माइनस एन टू बी वैक्टर होगी। इसी प्रकार से ये जो ट्राइंगल है उसमें भी मैंने ये इधर एक्सिस मानी है और इसी तरह से इधर ये एक्सिस मान ली है। तो अगर इसको देखूँ मैं तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है एन थ्री सी वैक्टर माइनस एन वन ए वैक्टर होगी। उसी प्रकार से इस ट्राइंगल के अंदर बात करें हम वैक्टर टर्मिनोलॉजी में तो इसकी जो वैल्यू होगी आपकी एन टू बी वैक्टर माइनस एन थ्री सी वैक्टर के बराबर होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेसिप्रोकल लैटिस मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो एन केप था, ये एन एन था,
यहाँ जो परपेंडिकुलर हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया था वह एन था। तो यहाँ पर हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या देख रहा है, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। यह हमें क्या सिद्ध करना है, अगर ये सिद्ध करना है तो चूंकि हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ये जो आप डायरेक्ट लैटिस डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट ये सॉरी हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ये जो वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं वह किस तरह से डिफाइन करते हैं, एच ए वेक्टर एच ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, और हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू से वह एल सी वेक्टर होगी। यह सब ए बी सी रेसिप्रोकल लैटिस की टर्म में यूनिट वेक्टर की परिभाषा है। तो यहाँ पर ए बी सी के मान हमारे पास हम लोग रख सकते हैं। अब हमें यह प्रूफ करना है कि यह लंबवत है, कौन जी जो है वह इस वेक्टर और इस वेक्टर के क्या है लंबवत है, यह हमें सिद्ध करना है। अगर हम सिद्ध करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो सिद्ध किया जाता है वह किस तरह से करेंगे आप, कि मान लीजिए हमारे पास जी वेक्टर है और यहाँ से हम लोग क्या सिद्ध कर रहे हैं, पहले ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी हमारे पास एन ए वेक्टर है एन ए वेक्टर और माइनस एन टू बी वेक्टर है एन टू बी वेक्टर है। इसका इसको हमें सबसे पहले अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो जी डॉट का मान निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से जी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और जी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। मैं इसको पहले वैल्यूज लिख लेता हूँ, एन टू बी वेक्टर है और माइनस एन थ्री सी वेक्टर है एन थ्री सी वेक्टर। इसी तरह से एन थ्री सी वेक्टर और माइनस एन वन ए वेक्टर एन वन ए वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक मैथमेटिकल क्या इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर की डेफिनेशन है। इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो होता है, ये लंबवत की डेफिनेशन या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर है एक दूसरे के लंबवत होने के लिए हमारे पास ये शर्त फॉलो होना चाहिए। अगर ये शर्त हमारे पास फॉलो अगर होती है तो इसको हम वन बाय वन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो सिंप्लीफिकेशन है, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वह ए वेक्टर है एच प्लस के बी वेक्टर और प्लस एल सी वेक्टर डॉट एन वन ए वेक्टर और माइनस एन टू बी वेक्टर होगा। तो ये जो हमारे पास इसको इक्वल्स टू में सिंप्लीफाई कर लेता, बाद में दूसरे को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात आती है तो ए और ए का मान कितना होगा आपके पास, वन के बराबर, एच वन एन वन माइनस फिर बी की बात आती है तो बी का इसका मल्टीप्लाई डॉट क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, के एन टू और इक्वल्स टू जीरो आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, सभी और साथ में यहाँ पर आपके पास, क्योंकि इसमें ए का मान रखा जाएगा, क्या मान रखा जाएगा, ए का मान रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा आपके पास, ए का मान होता है टू पाई बी क्रॉस सी, इसका मान क्या आएगा आपके पास, और नीचे में क्या आता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर और बी क्रॉस सी। अब यहाँ पर ये जो मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा था, यहाँ पर हमारे पास इसको ध्यान से देखो, ये जो है ये डॉट है, क्या आपके पास डॉट है, क्या वैल्यू आएगी आपके पास डॉट
वैल्यू आती है। तो ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये मेरे पास 2π भी रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास, 2π भी रहेगा। यहाँ पर वैल्यूज आपकी 2π के बराबर भी आती है। तो क्योंकि मेरे पास अगर मल्टीप्लाई की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसी टर्म में हमारे पास ये मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ जो आपके पास ए वन वैल्यू जो आएगी वो किसके कॉरिस्पॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ए का यहाँ डॉट होगा तो ये कट जाएगा और वन आएगा, तो वन यानी आपके पास ये टर्म बचेगी। उसी तरह से बी का मान रखूँ मैं 2π बाय, तो बी का मल्टीप्लाई आपका इसके होगा, तो बी डॉट सी क्रॉस ए होगा, बी डॉट सी क्रॉस ए। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी वैल्यू बचेगी आपके पास, ये वाली वैल्यू बस, तीसरी वाली तो आएगी नहीं, जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू रखने पर हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो सिर्फ वन वैल्यू से वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, यानी आपकी ए के कॉरेस्पॉन्डिंग और बी बी वैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आती है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरी अगर हम सॉल्व करें, यानी सेकंड भी हम लोग ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हैं और थर्ड भी ऐसा ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 2π ऑफ, यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज आएगी आपकी के एन टू माइनस एल एन थ्री और इक्वल्स टू जीरो। इसी प्रकार से थर्ड जो वैल्यू आपकी आएगी 2π ऑफ एल एन थ्री माइनस एच एन वन इक्वल्स टू जीरो। सिंस यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो वैल्यूज आपकी हैं वह किस तरह से वैरी हो रही है, ये जो वैल्यूज आपकी किस तरह से हमारे पास वैरी होती है। यदि मैं इसमें अगर देखूं तो 2π तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसका मान जीरो के बराबर होना चाहिए। क्या है इसमें, इसका मान जीरो के बराबर होना चाहिए। इसका मान अगर जीरो होता है हमारे पास, इसका मान अगर जीरो होता है तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो वैल्यूज है वह किस तरह से आएगी, 2π तो नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये जो वैल्यूज है वह एच एन वन और इक्वल्स टू के एन टू। उसी प्रकार से सेकेंड वैल्यू आपकी के एन टू इक्वल्स टू एल एन थ्री होगी। सिमिलरली थर्ड नंबर के लिए एल एन थ्री माइनस एच एन वन आती है, सॉरी ये एच एन थ्री माइनस एच एन वन इसके बराबर बराबर इक्वल्स टू आता है। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास है कब हमारे पास इसका जस्टिफाइड आंसर होगा हमारे पास, कि यदि मान लीजिए हम एन वन इक्वल्स टू कितना रखते हैं हम लोग 1/h, यहाँ से एन वन बराबर क्या रख दूँ मैं 1/h रखूँ, उसी प्रकार से एन टू इक्वल्स टू क्या रखूँ मैं 1/k रखूँ, और एन थ्री इक्वल्स टू 1/l रखता हूँ। अगर ये वैल्यू अगर रखता हूँ मैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये जो आपके पास ये जो मैंने डिफाइन करी है या डेफिनेशन मैंने जनरेट करी है, इसकी जो वैल्यू है वह एच के एल प्लेन से पासिंग होगा। उस कंडीशन में ये एच के एल प्लेन से पास होगा, ये जो वैल्यूज होगी वो किसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, एच के एल के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर तब आएगा। क्या आएगा, एच के एल के कॉरिस्पॉन्डिंग आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो हम लोग कह रहे थे, यदि इनके मान यदि क्या हो, एन वन बराबर क्या हो 1/k हो, वन बाय क्या आपके पास एन वन बराबर 1/k हो, एन टू बराबर ये हो
एन वन बराबर वन बाई एच, वन बाई एच, एन टू बराबर वन बाई के और एन थ्री बराबर वन बाई एल का मान के बराबर हो, यानी आपके ये एन वन एन टू इंटीजर नंबर है, ये क्या आपके पास इंटीजर नंबर से इनके मान कुछ भी हो सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन। तो ये जो मान है वह इंटीजर की टर्मिनोलॉजी में या मिलर इंडाइसेस की टर्म में उनके इनवर्स होना चाहिए। तो इंटीजर का मान है वह रेसिप्रोकल लैटिस की क्या होना चाहिए, इनवर्स अगर होता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो है जी ए है और जो डायरेक्ट लैटिस है यानी ये वाला जो टर्म है ये इसके क्या है, दोनों ये एक दूसरे के लंबवत है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक व्युत्क्रम लैटिस प्लेन के अंदर जो क्रिस्टल की डायरेक्ट लैटिस तल के सम्मुख है लंबवत होता है, यानी ये क्या होगा, ये सारी की सारी जितने भी आपके पास लाइन्स हमने वेक्टर टर्मिनोलॉजी में प्लेन डिफाइन किया है वह सारे के सारे क्या होंगे, ये इसके लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेकेंड पॉइंट की बात करें तो व्युत्क्रम जालक, ये जो हमारे पास व्युत्क्रम जालक आया है उसकी अगर हम बात करें, इसके ये जो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज आई है सेकेंड जो प्रॉपर्टी से इसकी हम बात करते हैं, सेकेंड जो प्रॉपर्टीज हमारे पास है वह क्या कहती है, सेकेंड जो प्रॉपर्टी से हमें क्या कहती है कि व्युत्क्रम जालक की एकांक सेल का आयतन यानी या वॉल्यूम जो हमारे पास यूनिट सेल का है उसका अगर लें तो वह होगा एकांक सेल जो डायरेक्ट लैटिस के वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो आपके पास रेसिप्रोकल हमारे पास जो क्यूबिक है उसका अगर वॉल्यूम निकाला जाए तो ये जो वॉल्यूम है वह डायरेक्ट के वॉल्यूम का रेसिप्रोकल होगा। डायरेक्ट जो लैटिस हमारे पास होते हैं, डायरेक्ट लैटिस जो भी हमारे पास पहले वाले लैटिस, पहले हमने डायरेक्ट पढ़ा था, पहले हमने डायरेक्ट पढ़ा था और इसके बाद हमने रेसिप्रोकल बनाया था। तो डायरेक्ट और लैटिस, डायरेक्ट के जो टाइप्स होते हैं वो 14 ब्रेवाइसेस लैटिस होते हैं, हमारे पास 14 ब्रेवाइसेस लैटिस कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम है, रेसिप्रोकल का जो वॉल्यूम है वह डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम का क्या होगा आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास यह जो डायरेक्ट लैटिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लैटिस की बात करते हैं। हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस की अगर बात की जाए तो कैपिटल ए को आपने डिफाइन किया था 2π b क्रॉस c और बाय a डॉट b क्रॉस c से हमने इसको डिफाइन किया था। उसी प्रकार से b वाला हमारे पास आता है, b वेक्टर की अगर बात करें तो 2π b क्रॉस c और यहाँ पर a डॉट b क्रॉस c। उसी प्रकार से हम लोग c वेक्टर लिख सकते हैं, c वेक्टर हमारे पास c यानी आपके पास a डॉट a क्रॉस b और बाय a डॉट b क्रॉस c, ये रेसिप्रोकल के यूनिट वेक्टर के हम लोग डेफिनेशंस देते हैं, a b c की टर्मिनोलॉजी में देते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका क्या निकालूं, मैं वॉल्यूम निकालता हूँ। वॉल्यूम की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a डॉट b क्रॉस c हमें यहाँ पर फाइंड
करना पड़ेगा। तो ये जो इसकी जो a क्रॉस b का जो मान है वह कैसे निकाले हम लोग वैक्टर की टर्मिनोलॉजी में। हमारे पास ये जो है सारी वैल्यूज आ चुकी है। a का मान होता है 2π, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, 2π 2π और 2π, ये तो आपके पास क्या है कोफिशियंट है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं 2π की पावर 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ। बाकी जो बचे हमारे पास है वह देखो यहाँ पर ये a है, a दैट मीन्स क्या होगा आपके पास b क्रॉस c और डॉट b क्रॉस c और डॉट ये आ जाएगा और यहाँ से आपके पास b का ca होगा, b क्रॉस का क्या आएगा ca, b का c क्रॉस a और इनटू c का क्या आएगा आपके पास a क्रॉस b, c a क्रॉस b आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू मैंने लिख ली। अब हम इसको मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो 2π होल क्यूब इसका जो मान है मल्टीप्लाई हम देखें सिंपल सा है, b क्रॉस c हम लोग ऐसे चीज रखेंगे, सिर्फ इसकी बात करें कि उसकी इसके अंदर की बात, ये मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, इधर से भी छोड़ देता हूँ, सिर्फ इसको लेके चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई लेकर चलते हैं। इसके जो मान है आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये क्रॉस है कि आपके पास क्रॉस दिया गया, ये जो आपके पास क्रॉस है वो किस तरह से डिफाइन करें। अगर मैं क्रॉस की डिफिनेशन से अगर देखूँ तो मेरे पास ये जो है कैसा लिखा जाता है सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी और इधर आपका क्या जाएगा ए वेक्टर, क्या आएगा आपके पास ए वेक्टर। वेक्टर डेफिनेशन से मल्टीप्लाई के थ्रू हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये आया है वह ए को आप फिर अगेन क्या कर सकते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंटरचेंज अगर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी आएगी वो क्या आएगी ए ए डॉट और ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी अगर लिखता हूँ मैं यहाँ ए क्रॉस बी, इस कंडीशन में मेरे पास ये जो वैल्यूज है वह क्या आएगी। यदि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर ला सकता हूँ, इसको उधर ला सकता हूँ, मैं इनको इंटरचेंज किया मैंने, इनको क्या किया मैंने इनको ये सॉरी अगर इंटरचेंज किया मैंने तो ये ए आया तो ए सी अंदर चला जाएगा, क्या होगा आपके पास बी क्रॉस सी, क्या जाएगा बी क्रॉस सी आएगा। तो इस तरह से मैंने क्या डिफाइन कर लिया यहाँ पर ए ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी से डिफाइन मैंने कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पर बाहर क्या था, यहाँ पर था मेरे पास बी क्रॉस सी या बी क्रॉस सी थे। तो ये जो है एक्चुअल में मेरे पास बन गया, अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो ए डॉट बन गया, क्या बन गया ये ए डॉट, इसी तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी बन गया। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आपकी जनरेट होगी वह क्या होगी इस कंडीशन में आपके पास, ये जो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर के बराबर आएगा।
क्या होगा आपके पास होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये किसका मान निकाल लिया मैंने, ये जो मेरे पास वैल्यूज आई है वह इसके आगे आपके पास ये जो वैल्यूज है, मैंने एक नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास ये इसके वॉल्यूम आ गए, क्या आ गया आपके पास, यानी ये जो वॉल्यूम है वह क्या आ गया, ये मान आता है। इसको मैं कहाँ से लेकर चला था, ये रहा, ये यहाँ से। तो मेरे पास ये जो वैल्यूज है इस तरह से मैंने डिफाइन करी थी, लेकिन इसके मेरे बटे में क्या बचेगा, जब मैंने इसको रखा था, जब रखा था तो मेरे पास ए डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, क्योंकि ये तो तीनों के पास आएगा, तो इसका क्या आएगा आपके पास, इसके बटे में भी क्या आएगा, पावर थ्री, क्या बचेगा यहाँ पर, पावर थ्री। ये सिर्फ मैंने ऊपर का पार्ट लिया था, यहाँ पर अब नीचे का पार्ट भी मैंने यहाँ पर रख लिया। तो नीचे का पार्ट अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आएगा a डॉट b क्रॉस, ये जो वैल्यू ए स्क्वायर है और b क्रॉस c, यहाँ आपके पास b क्रॉस c, और ये क्यूब के बराबर है, यहाँ पर पावर कितनी है, थ्री है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया, यहाँ से जो वैल्यूज बची मेरे पास क्या बची, वन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, वन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ये जो वॉल्यूम मेरे पास है वह किसके बराबर आया, इस वेक्टर के बराबर, यानी आपके पास ये जो रेसिप्रोकल लैटिस था, ये जो आपके पास रेसिप्रोकल का वॉल्यूम है वह डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के क्या हो गया, इनवर्स, क्या है कि आपके पास इनवर्स। और यही बात मेरे को यहाँ पर सिद्ध करनी थी, यही बात मुझे यहाँ पर सिद्ध करनी थी, ये जो वृत्तकर्मा लैटिस का आयतन है, आयतन है वह क्या होता है, यूनिट सेल के एकांक आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इससे क्या सिद्ध कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कि एक सरल घनाकार चालक तल भी क्यूबिक, एक यदि हम किसकी बात करें, क्यूबिक की बात करें, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होता है, क्यूबिक होता है। यह हमें प्रूफ करना, ये जो क्यूबिक रेसिप्रोकल की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हमारे पास ये जो थर्ड पॉइंट हमें आता है वह ये बताता है कि इसका जो वॉल्यूम हमारे पास है, किसका वॉल्यूम है, डायरेक्ट लैटिस का, जो एक घनाकार का वॉल्यूम निकाल लें और उसका क्या निकाल लूँ, व्युत्क्रमागार फाइंड करता हूँ, अगर व्युत्क्रमागार हम फाइंड करें, क्या फाइंड करें हम लोग, व्युत्क्रमागार फाइंड करते हैं तो व्युत्क्रम की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, उसका मान किस तरह से हमारे पास वैरी होता है, उसका मान हम लोग किसे फाइंड करते हैं। इसका मान अगर हमें ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास ये बोलता है कि ये जो एक क्यूबिक का रेसिप्रोकल अगर निकालें, क्यूबिक का रेसिप्रोकल अगर हम ज्ञात करें तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वह भी क्या होगा, क्यूबिक होगा। इसका हम लोग रेसिप्रोकल अगर फाइंड करें तो क्या आएगा आपके पास, क्यूबिक ही होता है। तो हमारे पास उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आएगा, तीनों की वैल्यू क्या सी के बराबर। सी के बराबर आती है, तीनों का मान क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, ए आई, b इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, b वेक्टर इक्वल्स टू a j, और c इक्वल्स टू भी क्या आएगा आपके पास, a k के बराबर आएगा। इस कंडीशन में सॉरी j k, यहाँ पर
क्या है आपके पास के पे, मैं डॉट लिखूंगा इसको, के की टर्मिनोलॉजी में लिखा जा सकता है। अब हम इसके वॉल्यूम की अगर बात, ये वेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम आएगा आपके पास बी क्रॉस सी, इसका जो वॉल्यूम आएगा वह बी क्रॉस सी आएगा। तो इसका अगर मैं मान निकालूं तो सिंपल क्या आएगा, सबकी अगर वैल्यू रख दूं आई जे के, तो मेरे पास यहाँ पर बी और सी, यहाँ पर सबकी वैल्यू क्या करूँ, यहाँ ये रख देता हूँ, यहाँ पर भी ए रख दूंगा मैं, यहाँ पर भी ए रख दूंगा। तो मेरे पास ए ए ए तो कॉमन है, तो क्या आ जाएगा आपके पास ए की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आई आएगा डॉट जे क्रॉस के आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जे क्रॉस के यानी आई क्या जाएगा आपके पास आई, आई आई स्क्वायर क्या जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास फिर ए की पावर 3, क्या बचेगा यहाँ से ए की पावर 3 बचता है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या निकाल सकते हैं, इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम रेसिप्रोकलिटीज की बात करें, तो यहाँ पर इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं, हम लोग प्रिमिटिव वेक्टर्स है, वह हम इस तरह से डिफाइन करते हैं 2π ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ए इक्वल्स टू बी क्रॉस सी, ए इक्वल्स टू और बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी क्रॉस सी से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये जो मान हमारे पास आता है वो क्या आएगा आपके पास 2π, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ बी क्रॉस सी, क्या रख दो यहाँ में बी क्रॉस सी, क्योंकि यहाँ पर सबके मान सेम है, सबके मान सेम है, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ से ए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बच जाएगा, इसका मान हमारे पास ए क्यूब आ चुका है, क्या आ गया ए क्यूब आ चुका है। और यहाँ से मेरे पास ये जो जे और के, इसके टर्म में आएगा आपके पास जे के, और जे के का मल्टीप्लाई आई के बराबर होगा, क्या आएगा आपके पास आई के बराबर होगा, तो 2π बाय आई के बन जाएगा, क्या बनेगा 2π बाय ए आई के बन जाएगा। इसी प्रकार से b का मान अगर निकालूं मैं, b बराबर क्या होता c होता, a तो हमारे पास 2π बाय ए बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से ऊपर ए स्क्वायर बचेगा, नीचे ए क्यूब है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब में से a बचेगा। अब यहाँ पर हम b की बात कर रहे हैं, b यानी आपके पास क्या आएगा k इंटू के क्रॉस i, और k क्रॉस i बराबर क्या होता है आपके पास j क्यूब के बराबर होता है। इसी प्रकार से c का मान जो है वह आएगा आपके पास 2π बाय a, 2π बाय a, और यहाँ से आपके पास c है, तो c का मान जो है वो a क्रॉस b के बराबर होगा, तो आपके पास a क्रॉस क्या होगा आपके पास a क्रॉस b, a क्रॉस b यानी ij होगा, तो ij दैट मीन्स क्या होगा आपके पास क्रॉस जो हो k कैप के बराबर आ जाएगा, k कैप के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है वह रेसिप्रोकल अगर निकालें, किसका व्युत्क्रम रहित इसका वॉल्यूम अगर निकालें, तो हम ये देखते हैं कि वापस वो कैसा होता है SCC का SCC ही रहेगा, SCC का रेसिप्रोकल है वो SCC ही रहेगा, तो क्योंकि ये फिक्स डिस्टेंस पर है, यहाँ पर क्या है ये फिक्स डिस्टेंस, अगर ये वैल्यू चेंज होती तो फिर ये हम कह सकते थे कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई। फिक्स वैल्यू यानी आपके पास यहाँ पर SCC काई में चेंज हुआ SCC में ही आता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि हमारे पास व्युत्क्रम रिलेटिव्स का अगर वॉल्यूम निकालूं SCC टाइप का, तो SCC का तो वो किसके बराबर होगा डायरेक्ट रिलेटिव्स के SCC के बराबर ही आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक FCC है, हमारे पास FCC का अगर रेसिप्रोकल निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा BCC आएगा, FCC का रेसिप्रोकल अगर निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास ये BCC आता है। तो FCC का रेसिप्रोकल क्या होता है BCC होता है, BCC अगर आता है तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर मैंने
ये एक्सिस इस तरह से क्यूबिक क्रिस्टल बनाया है, इसकी वैल्यू मैं क्या मान लूँ, एक्स है, वाई और इधर जेड है। तो यहाँ पर इसके सेंटर में एक हाफ डिस्टेंस पर, कहाँ से मेरे पास हाफ डिस्टेंस पे क्या मान लिया मैंने, एक वेक्टर मान लिया। इसी तरह से ये जो इस पर भी कितना है, हाफ डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, हाफ है, यानी हाफ हाफ डिस्टेंस पे वेक्टर। इस प्लेन पर मैंने इसको ड्रॉ किया, ये जो वेक्टर बनाया है वो इस प्लेन पे। इस प्लेन पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर, यहाँ से एक्सिस से इसकी डिस्टेंस हाफ है। तो इसकी अगर हम वेक्टर की बात करें, यानी ए वेक्टर का मान अगर मैं निकालूँ तो 1/2 क्या आएगा आपके पास, 1/2। ये वाई है, क्या आगे उसकी वैल्यू वाई है, तो वाई यानी आपके पास क्या आएगा, बी। वाई यानी क्या आएगा आपके पास, बी। क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक क्रिस्टल है, इसलिए यहाँ पर ए बाई टू होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा आपके पास, ए बाई टू, ये आधे दूरी पर है तो ये ए बाई टू है। इसी तरह से ये भी आधे दूरी पर है तो ये भी ए बाई टू है। ए बाई टू मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर वाई यानी आपके पास जे, और उधर क्या आएगा आपके पास, इधर ये जो एक्सिस है वो के बराबर है। तो इस तरह से मेरे पास ए का मान क्या आ गया, ए वेक्टर का मान क्या आ गया आपके पास, ए बाई टू, ए बाई टू, और जे प्लस के। इसी तरह से क्या आएगा आपके पास, उसी तरह से मैंने बी भी निकाल लिया, बी वेक्टर इधर ऊपर है क्या आपके, ये सॉरी, बी वेक्टर क्या है, इस प्लेन में है, यानी आपका इस प्लेन के अंदर है। इस प्लेन में है मतलब एक्स और जेड प्लेन में। तो एक्स और जेड यानी ए बाई टू, एक्स यानी आई, और प्लस जेड मतलब के, और इसका हाफ, तो ये किसका आ गया आपके पास, बी वेक्टर हो गया। इसी तरह से मैं सी वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। सी वेक्टर यानी आपके पास ए बाई टू, देखो सी वेक्टर यानी इस प्लेन में, किस प्लेन में बात कर रहे हैं हम लोग, इस प्लेन में। इस प्लेन में यानी आपके पास ये वाले वेक्टर का मान, इस वेक्टर यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई यानी आई और जे, इन दोनों का एडिशन होगा, आई और जे का एडिशन होगा। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर को हमने डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है इसका, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम अगर निकालू तो ए डॉट क्या आएगा आपके पास, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो बाय किससे डिफाइन करूंगा, मैं मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रखते हैं आप लोग, आई जे के, यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी आती है वो आई जे के रखा जाता है। मैट्रिसेस में ये मैं लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आई जे के। यहाँ से ए बाई टू कॉमन, यहाँ से ए बाई टू कॉमन, यहाँ से ए बाई टू कॉमन। तो ये बचा आपके पास ए की पावर थ्री बाई एट। यहाँ से आई तो हमारा जीरो आया, जे वन है, के वन है, फिर आपके पास सेकेंड वाली टर्म, यहाँ पर आई वन है, जे जीरो है और के वन होगा। यहाँ पर आई वन आ गया, जे वन आ गया और ये जीरो आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास यहाँ जो वैल्यूज आएगी आपकी ए की पावर थ्री और बाई एट, और यहाँ से आपके पास बचेगा टू। इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, ये ए की पावर थ्री बाय फोर, ए की पावर थ्री बाय फोर बचता है मेरे पास। अब इसी प्रकार से मेरे पास रेसिप्रोकल लेटिस की अगर हम डेफिनेशन अगर डिफाइन करें तो मेरे पास ए इक्वल टू होता है 2π b क्रॉस c, 2π b क्रॉस c, और बाय हमारे पास आता है a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c। इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, जो कि मेरे पास ये आई है, तो वो डायरेक्ट मैं रख दूंगा। अब मैं सिर्फ b क्रॉस c की बात करता हूँ। यहाँ से मेरे पास इसको मैं
नहीं लिखूंगा बार बार, तो ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, यानी ए यानी आपके पास 4/8^3 और 2π, यहाँ से 2π बचेगा, फिर a/2, यहाँ a/2 होगा और यहाँ पर भी a/2 होगा, a/2 यानी क्या आ जाएगा आपके पास a²/4, a²/4 बाय इंटू, फिर बी यानी क्या आएगा आपके पास k+i, क्या आएगा आपके पास k+i। इसी तरह से आपके पास क्रॉस और सेकेंड वाला आपके पास सी है, ये क्या आपके पास सी है, सी की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आएगा आपके पास i+j, क्या आएगा यहाँ से i+j। तो अब इसका मैं क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से तो ये सारी चीज़ें कट रही है, तो 2π/a बचा यहाँ से, यहाँ से 2π/a बच गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करूँ तो ki, क्या आपके पास ki, तो यहाँ आपके पास ki, तो ये किसके बराबर होगा, j के बराबर cos मल्टीप्लाई किसके बराबर आपके पास, और kj ये माइनस kj का अगर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस i के बराबर होगा, फिर jj आपका जीरो होगा, ii जीरो होगा, ij किसके बराबर आ गया आपके पास प्लस के बराबर, क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है आपके पास ये बराबर आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये किसका मान आ गया, ए वेक्टर कैपिटल ए का मान आ गया। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कैपिटल बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2π/a i माइनस जे और प्लस के कैप के बराबर आएगा। इसी तरह से सी वेक्टर को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज आएगी वो 2π/a और i प्लस जे और माइनस के बराबर आएगा। इस प्रकार से हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाती है। हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना था कि एफ सी सी है वो बी सी सी के बराबर, फलक केंद्रीय चालक का लैटिस प्रोकल लैटिस निकालें तो किसके बराबर होता है, अंतर केंद्रीय चालक यानी बॉडी सेंटर्ड के बराबर होता है। तो बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो ये उसके जो वेक्टर होते हैं वह इसके बराबर आते हैं, इसके बराबर आएंगे आपके पास, इसके बराबर आते हैं, जिससे हमारे पास ये प्रूफ हो गया इसका रेसिप्रोकल है वो क्या होगा आपके पास, कि ये जो आपके पास एफ सी सी का है वह रेसिप्रोकल है वह क्या आएगा आपके पास बी सी सी, क्या आएगा आपके पास बी सी सी होता है। अब हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि बी सी सी का अगर रेसिप्रोकल मैं निकालूँ तो एफ सी सी आना चाहिए, बी सी सी का रेसिप्रोकल अगर निकालो तो एफ सी सी आना चाहिए। तो उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वह किस तरह से डिफाइन करूँगा मैं, ये मेरे पास इसके लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर ये देखो एक यूनिट वेक्टर ऐसा जोड़ा है, एक यूनिट ऐसा जोड़ा गया है और दूसरा ऐसा जोड़ा गया है। ये जो वैल्यूज है या इनको जोड़ने का तरीका है वो कैसा है, ये देखो ये जो एक्सिस है ये एक एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, यानी आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है और ऊपर क्या आपके पास जेड एक्सिस है। इसको इस तरफ जोड़ा गया, इसको पीछे साइड जोड़ा गया, इसको फ्रंट में जोड़ा गया। तो यहाँ पर ये जो तीन एक्सिस है वह इस तरह से हमने जोड़ी है और यहाँ पर वेक्टर मैंने बनाया ये ए वेक्टर, यहाँ से ये बनाया। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास ये जो वैल्यूज है वह किस तरह से दिख रही है, इसको हम ध्यान से देखें। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है ए का मान, ये जो मान है मेरे को दिखता है कि ये जो एक्स के पीछे है, एक्स के पीछे यानी यह नेगेटिव जैसा लग रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी एक्स की वैल्यू।
और यहाँ पर y की अगर बात करें तो y का मान पॉजिटिव है, y का मान पॉजिटिव है। और यदि मैं z को देखूं तो यहाँ पर इसका मान भी क्या आपके पास पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में मेरे पास इस a वेक्टर को अगर मैं यहाँ पर लिखूं और मेरे पास ये जो a वेक्टर है, क्योंकि क्यूबिक है, क्या आपके पास क्यूबिक है, क्या दिया है आपके पास क्यूबिक है। ए वेक्टर की डेफिनेशन है वो भी कितनी डिस्टेंस पे, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ये भी हाफ डिस्टेंस पे, इधर भी हाफ पे, और आपके पास ये जो एक्सिस जो वाली है वो भी कितनी, ये वाले भी मेरी हाफ है, इतनी है आपके पास एक्स वाली भी हाफ डिस्टेंस, तो एक्स वाली हाफ है तो माइ हाफ है वो उसको कॉमन निकाल लेता हूँ तो माइनस आए, क्योंकि ये माइनस है, एक्स वाला कितना है आपका माइनस, नेगेटिव एक्सिस पर है, कहाँ पर ये नेगेटिव एक्सिस पर, फिर जे पॉजिटिव है और के पॉजिटिव है। इसी तरह से मैंने बी को डिफाइन किया, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर लिया मैंने ए बाय टू पर, यहाँ जो डिस्टेंस है वो ए बाय टू पर लिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमारे पास इस वेक्टर की बात करें, इसकी बी वेक्टर की, बी वेक्टर जो मेरा है वो मैंने यहाँ पर बनाया, अगर हमें इसको ध्यान से देखूँ तो ये मेरे पास कैसा लग रहा है, नेगेटिव जैसा, यानी वाई नेगेटिव है, कौन सा एक्सिस है, वाई नेगेटिव है, और ये जो है वह कैसा आपके पास पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और इस एक्सिस की अगर बात करूँ तो ये वैल्यू मेरे को पॉजिटिव दिख रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव दिखती है, तो एक्स का मान पॉजिटिव, एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव, वाई का मान नेगेटिव और प्लस के का मान पॉजिटिव, के का मान पॉजिटिव। इसी तरह से मैं सी वेक्टर यानी इसको डिफाइन करूं तो ये वैल्यू कैसे लग रही है मेरे पास, ये पॉजिटिव है और अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये जेड है वो नीचे है, जेड कहाँ है नीचे है, तो ये जेड नीचे है दैट मीन्स क्या होगा आपके पास नेगेटिव वैल्यूज, जेड नीचे है मतलब क्या होगा आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आएगी, क्या आएगी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आती है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसकी जेड की, तो यहाँ पर भी क्या आएगी आपके पास ए बाई टू, ए बाई टू और आई के प्लस जे के और माइनस के के, क्योंकि यहाँ पर जेड नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है आपके पास जेड नेगेटिव है। तो इस तरह से मैंने ए बी सी को डिफाइन कर लिया, तो यहाँ से मैं क्या करूँ इनका यूनिट, इसका वॉल्यूम निकालूँ, क्या निकालूँ मैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकालूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल, सिंपल मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी किससे निकाल लेंगे आप वेक्टर मैट्रिसेस की डेफिनेशन से, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 तीनों चीज़ हमारे पास कॉमन आएगी तीन जगह से, फिर कितना जाएगा आपके पास ए की पावर 3/8, फिर यहाँ आई का मान कितना है माइनस वन है, वन है वन है, फिर कितना आपके पास वन है माइनस वन है, ये माइनस वन है और प्लस फिर वन है, थर्ड में क्या है वन है और माइनस वन, इसको मैट्राइसिस को हम लोग सिंप्लीफाई करें, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास कितना मान आ जाएगा आपके पास 1/2, 1/2 ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 4 वैल्यूज आएगी, तो ये हमारे पास 4 आ जाता है और 4 2 8 आ जाएगा और 1 की पावर 3 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग किसका मान निकाल लिए, बी का मान, वॉल्यूम का मान निकाल लिए। अब हमें चाहिए ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 2π, ए वेक्टर 2π बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी और बाय ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू मैंने अभी ऊपर फाइंड करी, इसकी वैल्यू मैंने अभी ऊपर फाइंड करी,
अब मुझे सिर्फ किसका मान निकालना है, पी क्रॉस सी का मान, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले निकाला था। अब यहाँ से जो वैल्यूज आएगी मेरे पास, ये तो डायरेक्ट मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये क्या जाएगा मेरे पास, 2 पाई 2 पाई, और ए 3/2 यहाँ लिखूंगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 2/a3। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ से भी मेरे पास a/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से b आएगा, यानी a मतलब यहाँ से ये क्यूबिक का दे रखे हम लोग a/2, तो कितना आ गया आपके पास a² / 4, यहाँ से बाहर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू रख देता हूँ, b का जो मान मेरे पास आया था i - j + k आया था, इसी तरह से क्रॉस c का मान मेरे पास आया था i + j - k। इसका मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से 2 2 4, तो ये वैल्यू कट गई आपकी, यहाँ से क्या बच गया आपके पास, यहाँ से बचेगा आपके पास, एक मिनट, यहाँ से जो वैल्यूज आपके बचेगी क्या बचेगी, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू हमारी बचेगी वो क्या बचेगी, ध्यान से देखिए, यहाँ से मेरे पास a² और ये जो मान रखा मैंने a² / 4 और इसका मान a³ और ऊपर चला जाएगा आपका क्या है, यहाँ से टू, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, क्या करूँ, यहाँ से मेरे पास ये बचेगा, यहाँ से जो वैल्यू बचेगी मेरे पास 2π/a, क्या बचेगा यहाँ से 2π/a, और मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास j+k। इसको सिंपल मल्टीप्लाई जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे के वैसे इसको करना है, 2π/a और क्या बच गया, j+k बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी आपके पास, j+k, और यहाँ से मेरे पास इसको देख लेना एक बार को मल्टीप्लाई करके, तो ये पहले आपके पास सेम किसके जैसे हो गई, सेम किसके जैसे हो गई, ये आपके पास ये जो वैल्यू है वह अभी जो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया था ये वाला सेम इसके जैसे वैल्यू आ रही है, इसके जैसे वैल्यू आ रही है, सेम इसके जैसे वैल्यू आ रही है, ए का मान भी जैसे आएगा, बी का मान भी आएगा और सी का मान भी आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो वैल्यू वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल ए का मान निकाल सकते हैं, बी का मान भी वैसा आएगा और सी का मान भी आपका एज इट इज आएगा जैसे पहले हमने फाइंड किया था। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल निकाला जाए, यानी ये bcc का रेसिप्रोकल निकाला जाए तो किसके बराबर होगा, ये fcc के बराबर आता है, इसके बराबर आएगा आपके पास fcc के बराबर आता है। तो इस प्रकार से ये पांचों विशेषताएं कंप्लीट होती है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।